और अब की प्रधानमंत्री जी तब हाँ महंगाई बढ़ी है, कीमतें बढ़ी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, हम भाग नहीं रहे हैं। ये कहना है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। दरअसल देश भर में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा में बहस के बाद मंगलवार को राज्यसभा में भी चर्चा हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों पर चर्चा के जवाब में बड़ा बयान दिया। सीतारमण ने कहा कि हम भाग नहीं रहे हैं और कोई इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा कि कीमतें बढ़ रही हैं। फिलहाल महंगाई दर 7% पर है। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों इसे कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि महंगाई के कबूलनामे के साथ ही वित्त मंत्री ने ये कहकर विपक्ष को ताना मारा कि यूपीए की सरकार के कार्यकाल के मुकाबले अभी महंगाई कम है। इसी बीच मंदी के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भारत में मंदी आने की कोई आशंका नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। भारत देश का करेंसी अभी बरकरार और स्ट्रांग रह रही है, उसको ध्यान रखिए अमृत काल में।